हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और क्योंकि अभी तक का ये मेरा सबसे ब्लॉगिंग की जर्नी का सबसे बेस्ट ब्लॉग होने जा रहा है, क्योंकि एक तो ये बन के बाद है, ऊपर से आपको पता है ना कि ये संदीप महेश्वरी सर के शो में आज मैं जा रहा हूँ। इट्स बीन अ ग्रेट थिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसे मतलब पहुँचना एक बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं, और है इजी प्रोसेस पहुँचने के लिए, बट फाइनली आई गेट द चांस, आई गेट द पासिस टू गो देयर। और ये एक तो स्पेशल ब्लॉग इसलिए भी क्योंकि बनके के बाद मतलब ऐसा मौका यार, बनके के बाद सीधे इतने बड़े पर्सनालिटी के इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में आते हैं संदीप सर, और उनके पास जाना, और वो भी बनके का ब्लॉग के बाद पहला ब्लॉग, मतलब बनके के बाद जो मैं पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ, और इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। और बहुत बहुत ज़्यादा यार एक्साइटेड हूँ, क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सारी बातें हैं और देखते हैं सवाल पूछ पाते हैं उनसे कि नहीं। मतलब मेरे मन में है कि आई विल आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो, और ब्लॉगिंग भी वहाँ करूँ, आंसर जितने मिलते हैं, बट आई एम गोइंग, और वो जर्नी आपको दिखेगी कहीं ना कहीं, और बहुत 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 मज़ा आने वाला है सच में गाइज। और देखते हैं कि मतलब क्या है कि सुबह से लेके वहाँ तक पहुँचने तक की जर्नी, और वो शो एंड होने तक की जर्नी भी मैं आपको दिखाऊंगा सुबह, तो ऐसे बातों से क्या, लेट्स सी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अब फ्रेश फ्रेश हो गए, थोड़ा नहा धो के फेस कर वर के थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद निकलना भी है क्योंकि यहाँ से बहुत दूर रास्ता है और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे तो पहुँचने में लग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे रास्ते में सो लूँगा अभी, तो जल्दी उठ जाओ क्योंकि टाइम से पहुँचना है और ज़रूरी है टाइम पर पहुँचना। फाइनली आई एम रेडी, और जल्दी करते करते भी 30 मिनट लग गए, और नाउ आई एम रेडी फ्रॉम अप टू डाउन, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट अंदर से अब फ्रेश फ्रेश होते होते भरता चला जा रहा है, और इतनी जल्दी उठ के आज जा रहा हूँ, अभी लेट ना हो जाऊँ, जैसे से आई एम रेडी एट 5:45, 4:45 हो रहा है सुबह का, और मैं रेडी हूँ, और शो शुरू है मतलब 9 बजे से, तो उसके पहले ही मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि जाने में भी 2 घंटे रह गए, तो उससे पहले रेडी हो जाऊँ सुबह, सोच रहा हूँ पहली मेट्रो मैं ही पकड़ूँ आज की। कोई भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं जैसे मम्मी लोग कहते हैं, तो हैव सब ट्राई यार, हैव मम्मी वाला प्यार वाला, मम्मी ने जो बनाई थी मटर एडजस्ट टेक दिस एंड इसी को खा के, मतलब खाली पेट नहीं जाऊंगा मैं, और इसको खाने के बाद ही जाऊंगा, और शायद बाहर मिली मुझे चाय वाय तो टेक सम चाय एंड देन गो, क्योंकि ऐसे भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो खाली पेट नहीं जाते हैं। इट्स मतलब कल्चरल कह लो, कुछ भी कह लो, मम्मी वाला प्यार कह लो, बट मुझे आज याद था तो मैंने भी वही आज काम किया। इट्स 5:50 नाउ, और आई थिंक इट्स टाइम टू लीव, क्योंकि अभी जाने में मेट्रो स्टेशन पहुंचने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, सो मैं लीव कर रहा हूं अपने प्लेस को, और लेट्स सी कि जल्दी जल्दी पहला मेट्रो भी पाना है, और फिर 2 घंटे लगातार बैठ के वहाँ पहुँचना भी है, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, और मैं चल दिया हूँ अपनी मंजिल की ओर, आज की मंजिल की ओर, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत सारी तलाश भी कर रखी है कि कौन बंदा आ रहा है आज के शो में, तो वो भी मेरे को नहीं पता चला, क्योंकि ऐसा कहीं भी रिवील नहीं किया जाता कि कौन आ रहा है, क्योंकि संदीप सर भी पहली बार ऑन स्टेज उस बंदे से मिल रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें भी पहली बार अगर हो जाता है तो मेरे लिए क्वेश्चन पूछने में आसानी होती, दैट आई विल फ्रेम दैट क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, मैं तुरंत बना लूँगा, और कुछ सवाल हैं जो डायरेक्टली संदीप सर से भी पूछ सकता हूँ, इफ़ आई गेट द चांस आई विल डेफिनेटली आई विल आस्क द क्वेश्चन। के बाहर तो आ ही गए, और लेट्स सी के आगे हमको कहाँ मिलती है हमारी चाय वाय, दूर दूर तक मुझे तो कहीं नहीं दिख रही कि मुझे कोई चाय वाय मिलेगी, एक मौसमी जो होता है ना उसका जूस का स्टॉल लगा हुआ वो ज़रूर दिख रहा है, तो चाय पहली प्रेफरेंस मेरी। सोसाइटी से मेन रोड तक आ चुके हैं, बट आई डिडंट फाइंड एनी टी स्टॉल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चाय का दुकान वकान नहीं दिख रहा है, तो अब मुझे और कुछ ही लेना पड़ेगा, तो सर खा के ज़रूर जाऊँगा क्योंकि ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं, और बहुत 2 घंटे का तो शायद रास्ता ही है, उसके बाद वहाँ भी बैठना है, 10:30 पे ख़त्म होगा शो लिखा है, बट होगा नहीं शायद,
वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो मैं तो सिर्फ मामूली सी चाय की दुकान ढूंढ रहा था यार गाइस, मिल गई मुझे चाय की दुकान, क्योंकि लास्ट में एक छोटी सी जगह पे दुकानी सी छोटी सी स्टॉल था, तो मैंने वहाँ पे चाय वाय पिया और फिर मुझे खाने को चाहिए था, तो खाने को मुझे कुछ मिला नहीं, तो लास्ट एट लास्ट छोले कुलचे इज़ द फूड जो सुबह सुबह मिलता है, और वही खाने के बाद 6:25 और 5 मिनट में मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचने वाला हूँ, और क्योंकि 6:30 से आई थिंक मेट्रो चलना स्टार्ट होती ही है, तो ऑन टाइम मैं पहुंच जाऊंगा, और फिर 2 घंटे का सफ़र जो होगा वो मेट्रो में होगा, तो इट्स क्वाइट लिटिल बिट बोरिंग बट आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग। आई हैव 2 मेट्रो कार्ड, देखते हैं कौन से स्वे को पाता है, पता नहीं है क्या होगा। ओके दिस वन, ये वाला लग गया भाई, और द्वारिका जाना है ना, हाँ द्वारिका के लिए यहाँ से। तो इस समय हूँ मैं मेट्रो स्टेशन नोएडा 52 पर, और मैं आपको रास्ता तो नहीं बताऊँगा कि मैं प्रॉपर जा कहाँ रहा हूँ, हाँ अगर आप ब्लॉग में देखते रहेंगे कि जो मेट्रो स्टेशन मैं चेंज करूँगा उनमें आपको पता चल ही जाएगा कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन मेरी क्या है, और जहाँ पर उनका ऑफिस है संदीप सर का, वो जहाँ पर वो शो करते हैं, तो वो कहाँ पर है ना, अभी लेटेस्ट एक सीरीज़ चल रहा है मीट करके, जिसमें कि वो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलते हैं जो यूट्यूब पर हैं या कहीं भी हैं, बेसिकली ज़्यादातर यूट्यूब से हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा वो हमारे सर फिजिक्स वाला सर अलक पांडे जी, और MBA चाय वाला, और चाय सुट्टा बार, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं यार, मेरे को नाम याद है, अमन दत्रबाल, और अभी तो लेटेस्ट जो आए हैं वो हैं विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस के जो फाउंडर हैं वो, तो बहुत सारे अवेटेड पर्सनैलिटी है, बट मुझे नहीं पता मैं आज कौन से वाले पर्सनैलिटी से मिलने जा रहा हूँ। बहुत सारे ब्लॉगर्स भी आ रखे हैं, जैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ सौरभ जोशी, इंडिया का मोस्ट सबसे टॉप ब्लॉगर जो है, वो भी अभी आया था, तो मैं भी जा रहा हूँ, पता नहीं कौन है, बट सुपर डुपर एक्साइटेड। नाउ आई एम एट मंडी हाउस, दिस इज द प्लेस ऑफ ग्रेट आर्ट्स एंड सो मेनी ड्रामास आर गोइंग टू बी हेल्ड, मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट जो होते ना, जो इंडिया की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड से हॉलीवुड कहीं भी, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज़ का हब जिसको कहेंगे कि द मंडी हाउस, यहाँ पे बहुत सारे ड्रामास होते हैं, बहुत सारे प्लेज होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंडी हाउस से निकलते हैं, तो आई एम एट मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, और एक बार जब मंडी हाउस जाऊँगा, वैसे गया हूँ बट मैं जब प्रॉपरली मंडी हाउस किसी काम से जाऊँगा, देन आई विल शूट दैट ब्लॉग एंड बताऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ें। तो इस समय मैं मंडियाल मेट्रो स्टेशन पे हूँ, यहाँ से मुझे कश्मीरी गेट जाना है, आई थिंक दिस इज़ वॉयलेट आई थिंक, तो मैजेंटा लाइन, आई हैव नॉट कंफर्म अबाउट दैट, क्योंकि कलर का यहाँ पे बहुत सीन रहता है, और उसके बाद कश्मीरी गेट जो कि रेड लाइन है, रेड लाइन मेरे को कवर करके जाना है रोहिणी वाली मेट्रो में, सो आई एम नॉट सेइंग दैट प्रॉपर मेट्रो स्टेशन, सो देखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि ब्लॉगिंग में ना कनेक्शन बना रहना चाहिए, आप मेरे साथ बने रहने चाहिए। हाँ मैं रेड लाइन मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मुझे अब 10 से 11 मेट्रो स्टेशन है, फाइनली मुझे वहाँ पहुँचना है। वॉलेट लाइन का जो मेट्रो स्टेशन जो मैं वहाँ पर उतरा था वो वॉलेट लाइन थी, और कश्मीरी गेट का लास्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ही सारी बसेस मिलती हैं अगर कहीं भी हमको जाना हो। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई मेरा ब्लॉगर ध्यान से देख रहा हो तो उनको पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उससे कि वो उनको पता चल जाए एक तरीके से। और 1 घंटे से ज़्यादा मुझे हो चुका है अभी लगातार मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, और अभी और आई थिंक 1/2 आवर और ट्रैवल करना है, देन आई हैव गॉट माई प्लेस जहाँ मुझे जाना है आज का सेशन अटेंड करने के लिए। फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आज मुझे आना था, तो आई एम एट द प्लेस जहाँ पर संदीप सर का स्टूडियो है, अग्रवाल सिटी मॉल, और यहाँ पर इनका स्टूडियो है, और ये रही वो बिल्डिंग, आई थिंक यहाँ अभी लगातार भीड़ दिख रही है मुझे, शायद बहुत सारे लोग आए हैं, तो दैट इज़ दैट बिल्डिंग जो है ये अग्रवाल सिटी मॉल, और इसी में संदीप सर का स्टूडियो है एट द फर्स्ट फ्लोर, और ये आई थिंक हाँ ये रहा, ये जो दिख रहा थी चैप्टर इस वन, तो वेरी एक्साइटेड यार, फाइनली पहुंच गए, पहुंच गए यार, मतलब कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं इस समय मौजूद, और सारे मेरी एज ग्रुप के हैं, सारे टीनेजर्स हैं,
आई थिंक सब कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारी भीड़ पीछे है, बहुत सारे लोग हैं स्टिल वेटिंग और किसी को नहीं पता है कि कौन आने वाला है. इट्स अ ग्रेट सस्पेंस. अभी भी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई. आई थिंक एट 8:50 स्टार्टेड. वेल भाई, आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई है? अभी मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है क्योंकि मैंने और लो भाई पहले ही मतलब बुकिंग करी थी और आज देखा नंबर आया है, देखते हैं क्या होता है. चलिए शुरू हो चुका है. सर बता रहे हैं कि लाइन आइन लगाना है. देन इतने सारे लोग हैं, अभी और भी लोग हैं नीचे, तो शुरू होने वाला है. सो एक्साइटेड. भाई मिल चुके हैं, और भी लोग हैं साथ में बैठेंगे. यहाँ पर सही भाई QR स्कैन हो रहा है और इसके बाद फिर अंदर जाएंगे. अंदर सिक्योरिटी चेक भी हो रहा है. वो बंदा बैठा है तो वो सिक्योरिटी चेक कर रहा है. एंड दैट इज़ द स्टूडियो. और फ़ोन अब स्विच ऑफ होने वाला है, तो आगे का ब्लॉग अंदर का मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा शूट. एक ख़त्म हो चुका है. एग्ज़ाम करके फाउंडर्स आए थे और संदीप सर से पूरा सो देखा, और उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि सम पर्सनल इशू मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से. नाउ एक बड़ी बात है, बहुत मतलब एक जब कभी अच्छा होना होता ना तो बहुत अच्छा होता है गाइस. तो क्या हुआ कि आज एक की जगह दो सेशन है. अब हम दूसरा सेशन भी अटेंड करेंगे जो कि 12 बजे से स्टार्ट है. तब तक रिफ्रेशमेंट है, कुछ वो खाएं पिएंगे. एंड उसके बाद एक घंटे के बाद फिर एक नया कोई है, वो भी एजुकेशन सेक्टर से कोई आ रहे हैं. इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि आज संदीप सर के एक नहीं यार दो सेशन अटेंड करने को मिल रहे हैं. भाई साहब ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए. और आपने शायद मैं उनको नहीं दिखाया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया गया था और बहुत सारी मेरे उनको पता है मैं ब्लॉगर, मैंने पता चल गया था लोगों को मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने वीडियो क्लिप्स की देखेंगे तो एंड ऑल, तो इस वजह से मैंने नहीं शूट किया. बट तुम्हारा बंदा कहीं ना कहीं से कंटेंट लेके आएगा. इतने सारे बंदे दिख रहे हैं ना, सब ये खाते पीते, इतने सारे लोग आए रखे हैं यहाँ पर. तो फाइनली जस्ट कि ये खाने के बाद ये भी दिखाएंगे आपको क्या है इसमें. भाई संदीप सर ने दिया है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो गई होगा. सो लेट्स सी क्या है. दिस इज़ द बॉक्स विच वी गॉट फ्रॉम संदीप सर. एंड देखते हैं क्या है इसमें. टिशू, चिप्स, फ्रूटी सैंडविच एंड समथिंग एल्स सॉस के साथ. बढ़िया भाई, इसको खाते हैं. फाइनली आई फाउंड द बंदे जिन्होंने सेशन अटेंड किया था. और ये तो भाई बंदा मेरे को ऊपर से हाई हेलो कर रहा था. तुमने सब्सक्राइब तो कर लिया ना चैनल तुमने? भाई मेरे को नहीं लगा था भाई तुमने किया. ये बंदा कर रहा है, तुमको मिल गया ना? हाँ देखो भाई, फाइनली इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया. बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पे मिल गए. पैसे मैंने तो कोई 5 रुपये 10 रुपये तुमको नहीं दिए. और कुछ तुमने तो शायद सवाल पूछा था, नहीं पूछा था? अच्छा यही पढ़ते पढ़ते थक गया था. अब ये पढ़ाएगा ना भाई? सीबी अभी मंगवा लो या बनवा लो. अच्छा 12th अभी तुम कर रहे हो. आधार कार्ड से सीबी नहीं बनता है भाई. हम इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, हमको ना मिल रहा है इतने दिन हो गया. हम तो मीडिया हाउस में ढूंढ रहे हैं. आई एम अ मास कॉम स्टूडेंट मीडिया का. वो होता है जर्नलिस्ट जो बनते हैं ना न्यूज़ में आते हैं, न्यूज़ एंकर, टीवी प्रोड्यूसर, फलाना ढिकाना, वो सब पढ़ रहा हूँ मैं. हाँ तो बन जाऊँगा मैं बेशक. बन जाऊँगा भाई. मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ से मतलब सारे गेस्ट वेस्ट ऊपर जाते हैं. देन वो जगह ये रही वो शटर. नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड सेशन. जो सेकेंड सेशन है वो उसका टाइम हो चुका है एंट्री का. तो मैं उस साइड से गया था, तो उस साइड से तो डायरेक्ट एंट्री थी, तो वहाँ से तो नहीं मिलेगी. अब यहाँ से जाते हैं. लिविंग दिस प्लेस और बहुत ही मज़ा आया. पहले सेशन में क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम मेरे को भी हो गई, तो कुछ सेशन भी इतना मज़ेदार क्योंकि हमारे टीनेज के नहीं थे, हमारे एज ग्रुप के नहीं थे. तो ये वाले जो भैया थे वो बहुत ही बढ़िया थे. 18-20 ईयर के थे. सौरभ आई थिंक मैं नाम इज नॉट रिमेंबर सॉरी सो कोई बात नहीं. ये वाला जो सेशन था बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार था. अभी जस्ट निकले हैं और बहुत ही मज़ा आया. इसमें बहुत सारा हंसी मजाक हुआ क्योंकि एक बंदा था बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी कर रहा था वो सवाल. और संदीप सर भी उनके साथ बहुत मज़े कर रहे थे क्योंकि सेशन बहुत मज़ेदार था. मैंने लगातार कोशिश करी, जितने बार राउंड मिला तो उतने बार हाथ उठाए, कोई नहीं कोई सवाल नहीं पूछ पाए. बट फाइनली आई गॉट द टू सेशंस जिसमें बहुत मज़ा आया सच में गाइज. आई फील
वेरी प्राउडली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला. सो यू ऑल्सो गेट द चांस इफ यू वॉन्ट. और इट वॉज द बेस्ट डे आई सेड, क्योंकि अब तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो ही चुकी है. और ये जो धमाकेदार ब्लॉग है, ये 1K के बाद पहला ब्लॉग है जो आप देख रहे हैं. इट्स बीन अ ग्रेट ब्लॉग एंड इसको बोल दो भाई, जैसे सब बढ़िया. ये भी बंदा YouTube का था, मैं भी बंदा YouTube का हूँ, तो बस शुरू करो और लेट्स सी. बट अब मस्त कहूँगा यार, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. इट्स मस्ट प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन बाय बाय.